स्टडी तुम्हें एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इजी लगी है या आप जॉब नहीं कर सकते उस दिन के अंदर? फीस के अंदर भी आपको जो सा रिलैक्सेशन दे देते हैं, 3 साल का वीजा मिल जाता है। अगर टाइम टेबल का इशू है तो वो भी आपका सॉल्व हो जाता है। कोई आ रहा तो कितने के पैसे साथ लेके आया? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद अन हमजा इन यूके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार बहुत सारी रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में कि यार आप कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बना रहे, तो आज मैं स्पेसिफिकली डाटा साइंस की थोड़ी सी कवरिंग करूँगा, लेकिन उसके अंदर बाकी चीज़ भी कवर कर लूँगा जितनी हो सकेगी, क्योंकि आज मेरे साथ तलाल है। ठीक है, तलाल जो पाकिस्तान से आया अभी रिसेंटली, और ये मेरा आप कह लो 2 साल से फेलो भी है। तो आज हम टोटली डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली हार्टफुल शहर को डिस्कस करूंगा मैं, ताकि अगर कोई आना चाह रहा, प्लान करना चाह रहा है, तो उसको पता लग सके कि यहाँ पर कैसी फैसिलिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी कैसी है, यहाँ पे उसकी स्टडी कैसी है, इजी है या हार्ड है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार असाइनमेंट बेस है या प्रैक्टिकल होता है, और उसके बारे में हम जगह के बारे में, हेडफील्ड के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए आप लोगों को यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो यार वेलकम है तलाल, पहले तो तुम्हारा थैंक यू। तो अब मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो, टोटली पूरी ऑडियंस को बताओ कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, और उसके बाद तुमने यहाँ पर कहाँ एडमिशन लिया, और एटसेट्रा एटसेट्रा। बेसिकली मैं तो फैसलाबाद से हूँ, पाकिस्तान फैसलाबाद से। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्ड शहर में मैं एमएस डेटा साइंस कर रहा हूँ। ये हेडफील्ड में है, लंदन से थोड़ी सी साइड पे है, थोड़ी ज़्यादा साइड पे है, ये मैं पहले ही बता दूँ। तो यानी ज़्यादातर यही होता है यार, कंसल्टेंट्स वगैरह भेज देते हैं। और ये मैं बता दूँ तुझे, जाने में कितने देर लगती है और कितने पैसे लगते हैं? वो बेसिकली मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ से तो मुझे भी लग रहे हैं तकरीबन के 2.5 आवर, 2.5 घंटे लग जाते हैं, ईजिली लग जाते हैं, और तकरीबन 25 to 27 पॉइंट मेरे लग जाते हैं ईजिली। तो अगर अक्सर ज़िंदगी में ट्रेन लेट हो जाती है तो 3 घंटे भी लग जाते हैं, और तो पूरा आपका एक दिन वहाँ पर जाया होता है। ऐसे ही है इजीली, आप होल डे आप जॉब नहीं कर सकते उस दिन के अंदर बिल्कुल 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 सही है। अगर पास में आपको कहीं जॉब मिल रही है, कोई आपका दोस्त रिश्तेदार रह रहा है, फिर मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप आ रहे हो तो वहाँ आस पास ले लो। लेकिन अगर आपकी भी तो आपने करने 20 घंटे हैं, फिर आपको कोई ऐसा मुश्किल और हेडफील्ड के अंदर वैसे भी जॉब्स नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि टाउन है, टाउन से है, विलेज टाइप जिसको कह रहा हूँ वो है। और पेपर पैटर्न बेसिकली मेरा यहाँ पे ये है कि असाइनमेंट बेस्ड है 60% और 40% आपका आता है प्रोजेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट के हिसाब से है। आपको कुछ टीचर्स होते हैं आपके सारे क्विजी होते हैं, यहाँ पे मेरी जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये नहीं है सीन के हमारे जो पेपर है ना वो फिजिकल हो, फिजिकल नहीं है, सिर्फ क्विज और असाइनमेंट बेस्ड है, और एंड पे प्रोजेक्ट होता है। और मेरा है भी वैसे प्लेसमेंट ईयर, तो जिसके अंदर 3 सेमेस्टर होते हैं और बाद में प्लेसमेंट ईयर होता है एक प्रॉपर। ठीक हो गया। तो फीस कितनी है तुम्हारी? फीस मेरी 15,500 है प्लेसमेंट ईयर की। ठीक है, वो अलादा नहीं, टोटल टोटल की, टोटल फीस 2 साल की है, 2 साल टोटल फीस की। तो 2 साल में अगर आप, 2 साल में आपको कम से कम तकरीबन 3 साल का वीज़ा मिल जाता है कम से कम, एग्जैक्ट ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल में ये कुछ ज़्यादा फीस नहीं है, लेकिन बस ये थोड़ा सा चक्कर है कि यूनिवर्सिटी थोड़ी सी दूर पड़ती है, दूर है, तो वो एक थोड़ा सा हट गया। तो फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहा, मतलब यहाँ पर आकर? फर्स्ट इम्प्रेशन सही था, क्योंकि बेसिकली मुझे तो इस तरह लगा पाकिस्तान की तरह ही लगा थोड़ा सा, लेकिन ये है कि इधर ये है कि आप यहाँ पे आके चीज़ एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा करते हैं, और लोग अच्छे हैं यहाँ पे। बेसिकली इस टाइम इस जगह कोऑपरेटिव है, अभी जिस टाइम जहाँ पे मैं रह रहा हूँ तो ये तो देसियों का इलाका है ज़्यादा, तो और भी काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पे, मिक्स ही हैं यहाँ पर ज़्यादा जो कम्युनिटी है ना वो देसी, देसी है। ठीक है, अब देसी वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, उसमें पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, नेपालियन भी हैं, ज़्यादातर यही हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़े से नाइजेरियन वगैरह हैं, थोड़े से गोरे हैं, लेकिन ये जो ईस्ट है मिलफर्ड का एरिया है, जितना ज़्यादातर आते ही लोग यहाँ पर हैं। तो अब एक इन शॉर्ट मैं एक बात इसमें ऐड करता हूँ कि जॉब्स के लिहाज से ये एरिया अब कैसे हैं? ठीक है, तो तुम्हें क्या लगा, तुम इस एरिया में रह रहे हो कब से आए हो यार? मुझे तकरीबन 1 मंथ हो गया। 1 मंथ, और एक मंथ में तुम्हें क्या लगा यहाँ पर? 1 मंथ के अंदर ये लगा कि आप प्रदेश तो फिर प्रदेश होता है, तो यहाँ पे आपको खुद चीज़ें जो उनसे ना स्केड्यूल करना पड़ती हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद आपको चीज़ें खुद ढूंढनी पड़ती हैं। यहाँ पे आपका कोई भी जो उनसे ना मदद वगैरह नहीं करता, ठीक है, ऐसे ही तो खुद ही करना पड़ता, हर चीज़ आपको खुद ही करनी पड़ती है A to Z। तो जॉब मिली क्या? नहीं अब तक तो फिलहाल नहीं मिली, क्योंकि जिसने भी से भी मिला हूँ उस बंदे ने ही कहा कि जैन और फैब जून से थोड़ा स्लो जाता है जॉब के रिलेटेड, तो उसके बाद सारा जो ईयर है होल ईयर वो आपका जॉब में आपको मिलती रहती है इजीली। लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि मार्च भी थोड़ा सा स्लो होता है, थोड़ा सा स्लो होगा यहाँ पे। तो बेसिकली ज़्यादा चलते हैं रेफरेंस बेस्ड काम, रेफरेंस बेस है। दूसरा ये कि यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, और ऑनलाइन सिर्फ आप ही नहीं होते जो अप्लाई कर रहे हो,
तो और भी बहुत से लोग होते हैं ऐसे, exactly. लेकिन अभी ये है कि मेरे ख्याल में ना यार स्टूडेंट आर्ट इतना ज़्यादा हो गया हुआ कि थोड़ा सा ना वैसे ही कट ऑफ हो गया कि अब किसी के पास भी जाओ ना तो वो कहता है कि हमें अगर चाहिए तो फुल टाइम के लिए चाहिए, तो ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मेरे ख्याल में समर्स में आगे जाके खुल जाएंगी, लेकिन स्टिल अगर आप आ रहे हो कम से कम 2-3 मंथ का यार अपना जो है ना एक्सपेंस लेके आओ साथ में. एग्जैक्टली ऐसे ही है. मेरे तो खैर यहाँ पे दोस्त भी थे और मैं तो मुझे थोड़ा आइडिया भी था कि मैं चीज़ें वगैरह अपनी पीछे स्केजुलिंग थोड़ी करके आया था एक्सपेंस वगैरह, नहीं तो जो अगर आप थोड़ा एक्सपेंस लेके आओ लाइक 1,000 तक तो आपका तो वो कुछ भी नहीं होगा. नहीं है वो तो आपका, अगर आप एक बार कहीं जगह चेंज कर लो तो वो आप आपके बिलिंग में ही चला जाता है, अकोमोडेशन में सारा चला जाएगा. शुरू शुरू में तो पता भी नहीं लगता कि आपके पैसे जहाँ कहाँ पे रहे हैं. नहीं नहीं आते हैं ना, वो एक चीज पसंद आती है वो ले ली दूसरी ले ली, तो वो बाद में पता लगता है कि वो पाउंड्स में पैसे जा रहे हैं. पाकिस्तानी नहीं है, रुपीज में नहीं है, तो आपको आइडिया नहीं होता कि आपके पैसे किस टाइम खत्म होने लगे हैं, आपको पता भी नहीं लगता है. ऐसे ही है. तो अगर कोई आ रहा है तो कितने के पैसे साथ लेके आए? मेरे जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक आप कम से कम 2,000 लेके आए, कम से कम इतने लेके आए, ताकि अगर आपको फर्स्ट मंथ जॉब नहीं भी मिलती तो आप नेक्स्ट मंथ का भी अगर आपका वो आ जाता है रेंट तो आप वो भी दे सके इजीली. तो तुम्हें यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा लगा? लाइक यूनिवर्सिटी अच्छी है काफी हार्टफोर्डशायर, क्योंकि इसके अंदर टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं. लाइक आपका अगर टाइम टेबल का इशू है तो वो भी आपका सॉल्व हो जाता है. ये बहुत अच्छी बात है. सबसे फीस के अंदर भी आपको जो उनसे रिलैक्सेशन दे देते हैं, ये उससे भी अच्छी बात है कि ये रिलैक्सेशन दे देते हैं. तभी मैंने एक साल लगा दिया फीस भरते भरते, वरना ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो जो टाइम देती हैं उस टाइम में फीस लेती. बिल्कुल ऐसी ही है. तो क्या तुम्हें यहाँ के स्टूडेंट्स का क्या हिसाब लगाया? स्टूडेंट्स यहाँ पे कोऑपरेटिव में काफ़ी फ्रेंडली हैं, क्योंकि आप यहाँ पे आपको इंडियंस भी मिलेंगे, नाइजीरियन भी, बांग्लादेशी भी, तो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वो काफ़ी जो है ना आपके साथ फ्रेंडली हैं, कोऑपरेटिव हैं, कि आपकी हर चीज़ में हेल्प करते हैं, हर एक चीज़ के अंदर कर देते हैं. ग्रुप्स अच्छे बन जाते हैं ना? ग्रुप्स अच्छे बन जाते हैं. लाइक आपने स्टडी जो सी है, ग्रुप स्टडी बहुत अच्छी रहती है आपकी यहाँ पे. दूसरा ये है कि अगर आप ग्रुप्स वगैरह बनाते हो ना तो लाइक किसी के पास जॉब है तो वो आपके साथ शेयर कर देगा, किसी के पास अकोमोडेशन है तो वो आपके साथ शेयर कर देगा. तो अभी तुम रेंट वगैरह कितना पे कर रहे हो, जहाँ पहले थे और अब दोनों के बता दो. जहाँ पहले था वहाँ पे तो मैं 380 पे कर रहा था, और जहाँ अब हूँ वहाँ पे 350 पे कर रहा हूँ. हाँ ठीक है. तो तुम कौन सी जगह अच्छी लगी? ये बेटर है दादा. पहले कहाँ पे थे? पहले डैगनम में. डैगनम में ठीक है. और अब इलफोर्ड में. अब इलफोर्ड में तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, तो ये आप लोगों ने देख लेना कि आप लोग कहाँ पे आना चाह रहे हो, वहाँ पे कैसी. वहाँ पे इस वहाँ से मैंने इसलिए अकोमोडेशन चेंज की, वहाँ पे एक तो बेसिकली कि आपको शॉप्स बहुत कम है कि जहाँ पे आपको हलाल फूड मिले, और थोड़ी बहुत कम शॉप्स ही जहाँ पे चीज़ें वैसी जो उनसी आपने यूज़ करने के लिए वो नहीं मिलती. तो इलफोर्ड के अंदर हमारी जैसी चीजें जो हम यूज करना चाहते हैं वो वहाँ पे नहीं है. बिल्कुल मसाले वगैरह ऐसे ही. और वहाँ पे शॉप्स भी थोड़ा छोटा सा टाउन है वो डैगनम, क्योंकि यहाँ पे टाउन ही है ज्यादा, तो रात 10 बजे बंद हो जाता है. तो आप अगर आपको भूख लगी हो रात को तो वहाँ पे तो आप कुछ भी नहीं ले सकते बाहर से जाके. ऐसे ही है. तो इलफोर्ड के अंदर ये है कि रात 1-2 बजे तक, लेट नाइट 2-3 बजे तक भी आपको फास्ट फूड की मिल जाती है. तो वैसे भी अगर आप कहीं मूव कर रहे हो तो ये देखोगे वो टाउन कितना बड़ा है, जगह कितनी बड़ी है, तो वहाँ पर उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आती हैं. तो स्टडी तुम्हें एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ईजी लगी है या पाकिस्तान? एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान काफ़ी ईजी है यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपने फिजिकल पेपर देने थे, यहाँ पे आपने असाइनमेंट्स है और क्विज़ हैं, तो वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है हर चीज़. और जो आपकी क्लास अगर आपकी मिस हुई है तो लेक्चर भी सर अपलोड कर देते हैं हमारे पोर्टल पे, तो आपको जो है इतनी मुश्किल नहीं होती उसके अंदर भी. ठीक. तो अगर कोई आना चाह रहा है यूके तो कोई चीज़ रिकमेंड करोगे कि क्या उसको साथ लेके आना चाहिए या क्या सीख के आना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर फास्ट फूड आता है, अगर आप उसका बनाना आता है, तो इसकी जॉब सबसे ज़्यादा यहाँ पे और इजीली मिल जाती है. और आप अपनी जॉब वहाँ से करके आएँ कि आपका कोई यहाँ पे रिलेटिव्स या दोस्त है उसको यहाँ पे जॉब पहले ढूंढ के रखे, ये तो आपको यहाँ पे जॉब सर्चिंग में बहुत मुश्किल आएगी. हाँ ये तो है. और उसके अलावा आप अपना लाइसेंस वहाँ से इंटरनेशनल बनवा के आएँ, और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आके सिक्योरिटी की जॉब करें तो उसके लिए आपको सबसे मेन चीज़ है कि आप वहाँ से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा के आएँ, और लाहौर से वो टेस्ट होता है. टेस्ट लाजमी करवाना है. आजकल मुझे बड़े मैसेज आ रहे हैं कि हम भूल गए हैं, तो यहाँ से भी टेस्ट हो जाता है लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसीजर है. अगर आप पाकिस्तान से करवा लो तो सस्ता भी होगा वहाँ पे, जल्दी भी बन जाएगा. मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लाहौर में भी है और इस्लामाबाद में भी है, तो वहाँ से आप इजीली आपका टेस्ट हो जाता है. तो तुम्हारे टोटल कितने पैसे लग गए थे यहाँ पर पहुँचने में? मेरे टोटल तकरीबन 26-27 लाख लग गए थे, क्योंकि कंसल्टेंट पहले कुछ और बता रहे थे और बाद में पैसे बढ़ते गए.
तो अक्सर मुझसे स्टूडेंट पूछते होते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस में अपनी बताया, अगर कोई बैचलर या मास्टर्स के लिए आना चाह रहा है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, ठीक है। तो ये है कि उसकी स्टडी कंप्लीट हो, ये ना हो कि यार अभी एक सेमेस्टर पढ़ा है, अगर किसी का सेमेस्टर सब कुछ कंप्लीट है तो फिर मेरे साथ रब्ता कर सकता है, मैं उसका प्रोसीड करवा सकता हूँ। और मैं उसी टाइम लोगों को ना बता देता हूँ यार इतने पैसे लगेंगे, अक्सर का जवाब आ जाता है जिनके आगे उनके अब तक ऑफर लेटर वगैरह आ गए हुए हैं, जिनका जवाब नहीं आता वो तो मैं समझ आता हूँ कि वो फिर आगे नहीं प्रोसीड करवाना चाहते, क्योंकि कंसल्टेंट जो होते हैं वो आपको कहते हैं कि यार 18 लाख 20 लाख इतने के लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन जब आप करवाने जाते हो तो फिर वो आहिस्ता 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 पैसे बढ़ते जाते हैं। तो तुम्हारी जो स्टेटमेंट वगैरह वो मलाक है या स्टेटमेंट, क्योंकि मेरी अपनी नहीं थी तो मैंने बाहर से बनवाई थी तो उसको ऐड करके टोटल कितने तुम्हारे लगे? टोटल मेरे 27 लग गए हैं। 27 लग गए, अब देख लो वो अभी आया है और उसने बता दिया कि 27 मेरे लग गए हैं। मैं जब इस टाइम पे आया था तो मेरे 22 लगे थे, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइम आ रहे हो, तो ये बहुत डिपेंड करता है आपके आने पे, क्योंकि अब इस टाइम पाउंड का रेट बहुत ज़्यादा है, 313 है आज, तो जब लास्ट टाइम मैं आया था तब 250 था, तो बहुत फ़र्क आ जाता है, कम से कम 5 लाख का तो फ़र्क आ ही गया ना, ज़्यादा आ गया नहीं गया। मतलब जब मैं आया था उस टाइम पे तो इतना था, लेकिन स्टिल हमारा सब कुछ सेम है, लेकिन 5 लाख का फर्क आ गया। तो ये आपने कंसल्टेंट की बातों पे नहीं रहना। अब मैंने एक वीडियो बनाई हुई है स्टडी विदा कोस्ट, अगर किसी ने नहीं देखी वो जाके देख सकता है, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि बिल्कुल शुरू से आपके कितने पैसे लगते हैं और कितने तक पैसे खत्म होते हैं, तो उसके रेट बढ़ा लेना, क्योंकि वो 1 साल पुरानी की वीडियो है, लेकिन स्टिल वो आपको हेल्प करेगी अगर आप यहाँ पर आना चाह रहे हो। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे तुम्हें कैसी लगी हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज आईटी के रिलेटेड तो अच्छी हैं, क्योंकि अगर आपको स्किल बेस, अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं ना तो आपको जॉब इजीली मिल जाती है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पे काउंट होती है इंटर्नशिप भी, कई कंपनीज आपको देखती हैं आपने इंटर्नशिप की है, अगर आप इंटर्नशिप की होगी तो तभी आपको रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। लेकिन स्टिल अगर आपके पास जैसे कहो स्किल ज़्यादा है ना, अभी डिग्री नहीं भी हुई तो आपको काम मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको काम आना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि यार मैं इस डिग्री में आ रहा हूँ, मैंने पढ़ा कुछ नहीं है तो मुझे जॉब मिल जाएगी। अब देखो यार, आप लोग बिजनेस छोड़ के सीएस में आ रहे हो, तो अगर आपको उस चीज़ का पता ही कुछ नहीं है तो अब जाहिर बात है आपको जॉब कैसे मिलेगी, ठीक है। अगर आपको मैनेजमेंट के रूल्स पता है, आपको कोडिंग के रूल्स ही नहीं पता, तो फिर मेरे नहीं ख्याल में ऐसे आपको जॉब मिलने वाली है। लेकिन अगर आपको उस चीज़ के बारे में अच्छा पता है तो फिर आपको जॉब बिल्कुल ईजिली मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर दिया होगा, अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नहीं है तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, अगर मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।